यूनिट नंबर वन पर हमारा काम चल रहा था आज हमने एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री स्टार्ट करनी है अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें और प्लीज़ थम्स अप का बटन भी प्रेस किया करें ऐसे करके थम्स अप कर का बटन प्रेस किया करें तो आज हम लोगों ने जो डिस्कशन करनी है वो बेसिकली वन पर है सारी वन पॉइंट थ्री नहीं करवाएंगे वन पॉइंट थ्री को आप बेसिकली फाइव पोर्शन में डिवाइड करते हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना होता है आप इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक ऐसी इक्वेशन जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फिर उसके बाद आप उस पर कोई भी मेथड लगा सकते हैं ऐसी फाइव टाइप्स आप डिस्कस करेंगे आज हम टाइप नंबर वन पर डिस्कशन करने लगे हैं जिसकी हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ हम लोग टाइप वन पर डिस्कशन करने लगे हैं आज ठीक है स्टूडेंट्स तो टाइप वन बहुत सिंपल है मुश्किल नहीं है इसके कोई पांच क्वेश्चंस है वन पॉइंट थ्री में तो वो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो आपने जो पहला स्टेप देखना होता है वो क्या देखना होता है क्या आप जो फर्स्ट वाला नंबर होता है इसकी पावर को ब्रेक करते हैं इस तरीके से फोर को आपने क्या लिख लिया टू का स्केयर और ये इलेवन एक्स स्केयर प्लस फाइव और इक्वल टू जीरो सारों को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में देने के लिए आपको इक्वल टू जीरो बनाना है अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो आप उसकी शिफ्टिंग कर लें अब ये इक्वेशन हम लोग पुटिंग करके इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे जो यहां पर ये स्केयर के अंदर चीज आएगी आप उसको पुट किया करेंगे पुट एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई आप y के इक्वल पुट कर दें तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी टू और इस अंदर की जगह हमने पुट कर दिया वाई और ये माइनस इलेवन इट इज और की जगह आपने क्या पुट कर दिया वाई और प्लस फाइव आपका एज इट इज हो गया अब हमने क्या करना है अब ये रिड्यूस हो चुकी है क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक में अग ये अगर रिड्यूस हो चुकी है तो अब हम इस पर जो मर्जी मैथड लगा ठीक है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आप कंप्लीटिंग स्केयर कर लें आप इस पर फैक्ट्राइजेशन कर लें आप इस पर चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें तो ये आपके पास सॉल्व हो जाया करेगी तो मैं इसकी फैक्ट्राइजेशन करने लगी हूँ फैक्ट्राइजेशन का जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया प्रीवियस लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं प्लीज़ वो गो थ्रू कर लें अगर आपको फैक्ट्राइज करना नहीं आएगा तो सॉरी टू से ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो फैक्ट्राइजेशन इसकी क्या बनेगी टू को टेन से आपने मल्टीप्लाई करना है वो बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा ये रफ वर्क है ठीक है दिस इज बेसिकली रफ वर्क की आपने फैक्टराइजेशन करनी है वो किस तरीके से होगी आपके पास वन मल्टीप्लाई बाय टेन मैंने आपको कहा था वन से स्टार्ट करना है गलती के चांसेस कम होते हैं टू मल्टीप्लाय फाइव आपके पास टेन आ गया उसके बाद फाइव uh, मल्टीप्लाई बाय टू टेन आ गया उसके बाद टेन वन आपके पास टेन आ गया यहाँ पर प्लस का साइन है प्लस का साइन है इसका मतलब है दोनों फैक्टर्स के साथ एक जैसी, एक एक जैसी जैसी जैसा साइन आएगा या आएगी वो एक जैसा साइन कौन सा होगा वो हमें सेंटर वाला नंबर बताता है वो सेम साइन माइनस का होगा माइनस 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 अब हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टेन बनना चाहिए और प्लस माइनस करें तो ये मिड वाला नंबर बनना चाहिए माइनस इलेवन तो वो पहला ही फैक्टर आपको दे रहा है ठीक है यहां पर आप लिख लेंगे टू वाई स्वेर माइनस वन वाई माइनस टेन वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो अब क्या करें आप यहां से कॉमन निकाल लें पहले दो नंबर्स में से कॉमन आपके पास वाई आया यहां बचा टू वाई माइनस वन यहां से आप माइनस फाइव कॉमन ले लें आपके पास क्या बचा टू वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो सिंपली यहां पर दो ही सिचुएशंस बनेगी फर्दर कॉमन लेके मजीद कॉमन आपके पास आ रहा है टू वाई माइनस वन यहा आपके पास आ गया वाई और यहां से माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। दो वैल्यूज आ गई आपके पास वो दो वैल्यूज यहाँ पर आप सॉल्व कर लें। टू वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। और आपके पास वाई माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो है ये दो ही केसेस बनते हैं यहाँ से वाई की अगर आप वैल्यू निकालें वाई इज इक्वल टू माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा वाई इज इक्वल टू वन बाय टू यहाँ से आपने वाई की वैल्यू क्या निकाल ली जीरो प्लस फाइव तो वो आपके पास क्या आ गया वाई इज इक्वल टू फाइव आप देखें ये आपका आंसर नहीं है क्यों क्योंकि क्वेश्चन तो आपको एक्स में दिया हुआ था आपने तो अपनी मर्जी से उसको वाई में कन्वर्ट किया तो ये आपका आंसर नहीं है जब तक एक्स नहीं आएगा आप इस क्वेश्चन को इस इस क्वेश्चन का इस चीज को सोल्यूशन कंसिडर नहीं कर सकते तो अब हमने क्या करना है आपने रीपुटिंग करनी होती है क्या करनी होती है रीपुटिंग पहले आप पुटिंग करते हैं ना ये देखें अब की बार आपने क्या करना है रीपुटिंग रीपुटिंग में पहले आपने एक की जगह वाई पुट किया था अब आप वाई की जगह पुट करेंगे जहां जहां वाई है वहां वहां आपने क्या पुट कर देना है एक्सकेर पुट कर देना है यहां पर भी एक्सकेयर पुट कर दिया यह आपके पास आ गया फाइव अब आप इसका स्केयर रूट ले लें स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा प्लस माइनस Two, ये प्लस माइनस वन बाय स्केर रूट टू सिमिलरली इधर भी आप यही करेंगे दोनों तरफ आप स्केयर रूट ले लें यहां पर आपके पास प्लस माइनस फाइव आ गया ये कैंसिल होने के बाद एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट फाइव तो इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास आ रहा है वो बेसिकली क्या आ रहा है सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया प्लस माइनस वन बाय रूट टू और प्लस माइनस के रूट फाइव मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है पहले तो आप इसको अरेंज कर लें अरेंजमेंट ये है टू एक्स फोर माइनस नाइन एक्स स्के माइनस इस तरफ आके प्लस इक्वल टू जीरो उसी तरीके से आप क्या करेंगे इसको हाफ करेंगे टू एक्स की पावर स्क्र हो गई माइनस नाइन एक्स स्क् प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो अब आप क्या करेंगे आप इसको पुट कर देंगे पुट क्या होगा एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया टू वाई स्क्र माइनस नाइन वाई प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो आप डायरेक्ट मैं इसकी फैक्टराइजेशन करने लगी हूँ आप लोगों ने सीख लें है प्रीवियस लेक्चर्स में भी सिखा दी कि आप उसको डिटेल से कर लेंगे टू वाई स्क्वायर माइनस एट वन जार एट क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एट के फैक्टर बनेंगे तो वो हम ये उठाएंगे ठीक है आप क्या करेंगे टू वाई जैसे कॉमन ले लिया आपने वाई माइनस फोर माइनस वन ले लिया यहाँ पर बचा आपके पास वाई माइनस फोर ये बात याद रखनी है कि दोनों ब्रैकेट्स आपकी एक जैसी बननी चाहिए इनको एक जैसा बनाने के लिए माइनस मैंने कॉमन लिया अब क्या करेंगे मजीद इनमें से क्या कॉमन आ रहा है वाई माइनस फोर और यहां पर आपके पास बचा टू वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो तो यहां से दो केसेस बनते हैं वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो यहां से आप क्या करें y की वैल्यू निकाल लें y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जीरो प्लस फोर डैट विल बी इक्वल्स टू y इज इक्व टू फोर और इसी तरीके से यहां से वैल्यू आपकी निकलेगी टू वाई इज इक्व टू वन वाई इज इक्व टू वन बाई टू यह आपका आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपको किस में दिया गया है क्वेश्चन आपको एक्स में दिया गया है जबकि आंसर आपका वाई में निकल रहा है लिहाजा आप क्या करेंगे रीपुटिंग करेंगे यहां पर आप लिखेंगे रीपुटिंग ठीक है रीपुटिंग का मतलब है आप जहां जहां मेरा क्या निकला लगा हुआ है जहां जहाँ मेरे पास लिखा हुआ है वाई वहां पर मैंने क्या पुट करना है ये देखें वाई की जगह आप क्या पुट करेंगे एक्स पुट करेंगे एक्स स्केयर सॉरी ठीक है तो यहां पर आपके पास क्या बन गया एक्स इज़ इक्वस टू फोर और इसी तरीके से एक्स स्क्व टू वन बाय टू अब आप इसका क्या ले लें स्केयर रूट ले लें दोनों तरफ दिस इज एक्स यहां पर एक्स स्केयर प्लस माइनस वन बाय टू सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय स्केयर रूट टू जब आप इसका सोलूशन सेट लिखेंगे तो वो आपके पास क्या बनेगा सेट अगर आप सोल्यूशन सेट नहीं लिखते आपका आधा नंबर कट जाता है प्लस माइनस टू प्लस माइनस वन बाई स्के आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया और इसके चार ही जवाब आने थे क्योंकि इसकी हाईएस्ट इस पावर फोर जितनी पावर होती है उतने आंसर्स आते हैं कि स्टूडेंट्स मूव करते हैं पार्ट नंबर थ्री की तरफ पार्ट नंबर थ्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म दे लें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे इनको एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे सेवन एक्स पावर वन बाय फोर प्लस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो अब आपने क्या करना है इसको मजीद अरेंज कर लें बड़े वाले नंबर को आप स्टार्ट में लिख लें और इस नंबर को ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बता रही हूं उसके बगैर भी हो सकता है लेकिन इस तरह करने से आपका ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन जाएगा फिर उसके बाद आपने क्या करना है नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास ये सेवन एक्स वन बाय फोर ये माइनस फाइव एक्स वन बाय टू और ये माइनस टू इक्व टू जीरो हो जाएगा अब मैं इसको तो अरेज करने लगी हूँ किस तरीके से कि सेवन इट एक्स पावर वन बाय टू कस किया माइनस फाइव एक्स पावर वन बाय टू माइनस टू इक्व टू जीरो अब मैंने इसको पुट करना है ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है पुट कर दें क्या एक्स वन बाई टू इज इक्वल टू वाई जिस मान जाएगा सेवन वाई स्केयर माइनस फाइव वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो अब आपने क्या करना है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है आपकी अपनी मर्जी है आप इस स्टेप के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं कंप्लीटिंग स्केयर करें या फैक्टर्स बना लें तो मैं इसके फैक्टर्स बनाने लगी हूँ सेवन टू फोर्टीन ठीक है जो आपके पास क्या बनेंगे सेवन वाई -7Y स्केयर माइनस सेवन वाई प्लस टू वाई ये सारा प्रोसेस मैंने आपको सिखाया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप गो थ्रू कर लें उसको सेवन वाई वाई माइनस वन वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो वाई माइनस वन सेवन वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो दो ही ऑप्शन हैं आपके पास वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो या आपके पास सेवन वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो से आपकी वैल्यू आ गई टू वन यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी वाई इजल टू माइनस टू बाई सेवन अब आप इस पर क्या करेंगे रीपुटिंग करेंगे रीपुटिंग यहाँ लिखें रीपुटिंग का मतलब है कि जहां जहां y है वहां x वन बाई टू पुट करें एक्स वन बाय टू इज इक्व टू वन और यहाँ पर एक्स वन बाई टू इज इक्व माइनस टू बाई से आपने तो एक्स निकालना है इसका मतलब है आपको दोनों तरफ स्केयरिंग लेनी पड़ेगी दोनों तरफ आपने स्केयर ले लिया तो आपके पास ये बना एक्स इज इक्व टू वन ठीक है और इसी तरीके से अब आप, आप यहाँ स्केयरिंग ले लें एक्स वन बाय टू का स्केयर ले लें और इसी तरीके से माइनस टू बाय सेवन का स्केयर ले लें तो वो आपके पास बनेगा एक्स इज इक्व टू फोर बाय सेवन सेवन फोर्टी नाइन तो इसका अगर मैं सोल्यूशन सेट लिखूं यहां सेपरेटली लिख देती हूं तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है आपके पास वो बेसिकली क्या है सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू वन आएगा उसमें और फोर बाय फोर्टी नाइन आएगा इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा जज करना है कि इसका जो आपकी बुक्स हैं पुराने वरियन में जो पुराना ओल्ड एडिशन है उसमें इसका आंसर अगर लिखा हुआ तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर बहुत सिंपल उसी तरीके से आपने इसको अरेंज कर लिया इसको टू कबाई लेंगे वन बाय थ्री इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया पुट करना है एक्स वन बाय थ्री को इक्वल टू वाई तो आपके पास आ जाएगा वाई स्केर माइनस फिफ्टीन प्लस फिफ्टी फोर यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन की नाइन सिक्स टाइम उसके बाद आपने कॉमन ले लिया अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन बची हैं एक है वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो और दूसरी ऑप्शन आपके पास है वाई माइनस सिक्स टू जीरो टू नाइन हो गया सिमिलरली वाई इज इक्वल टू सिक्स हो गया अब की बार यहां पर आप, आप क्या कर लेंगे रीपुटिंग करेंगे रीपुटिंग करने के बाद ये बेसिकली हम लोग टाइप नंबर वन डिस्कस कर रहे हैं ठीक है y की जगह अब आपने क्या लिख लेना है एक्स वन बाय थ्री नाइन और एक्स वन बाय थ्री इक्वल टू सिक्स अब आपने दोनों तरफ क्या लेना है आपने बेसिकली इधर क्यूब लेना है दोनों तरफ ताकि वन बाई थ्री उससे कैंसल आउट हो जाए आपने नाइन का क्यूब लिया जब आपने नाइन का क्यूब लिया तो आपके पास जो आंसर बना वो बेसिकली सेवन ट्वेंटी नाइन बनेगा एक्स इसके इक्वल आ गया सेवन ट्वेंटी नाइन सिमिलरली इसको सॉल्व कर लें इसका भी आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा क्यूब लेना पड़ेगा वन बाई थ्री का क्यूब ले लें सिक्स का जब आप क्यूब लेंगे तो वो आपके पास क्या बनेगा टू सिक्सटीन क्या बनेगा आपके पास टू सिक्सटीन तो यहाँ पर जब आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट विल बी बेसिकली इक्वल्स टू वॉट सेवन ट्वेंटी नाइन और साथ में दो सौ सोलह ये बेसिकली फॉर्म आया आपके पास मूव करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले तो हमने इसको अरेंज arrange करना अरेंजमेंट किस तरीके से होगी थ्री और इसको आप लिख सकते हैं वन बाय एक्स लिख सकते हैं प्लस फाइव इक्वल टू जीरो टू वाई सो आपके पास रह जाएगा थ्री वाई स्केयर माइनस एट इसकी जगह भी यहां पर वाई आ गया प्लस फाइव फैक्टराइज कर ले इसको बहुत सिंपल फैक्टराइजेशन है थ्री वाई स्केयर माइनस थ्री वाई माइनस फाइव प्लस फाइव अच्छा ये जो मैंने ब्लू में स्टेप लिखा है ना ये फैक्टराइजेशन आपने वो सारी करनी है तब आपको ये आंसर मिलेगा अदरवाइज नहीं पता चलेगा थ्री वाई वाई माइनस वन माइनस फाइव कामन ले लिया वाई माइनस फाइव वन यहाँ पर कॉमन लिया वाई माइनस वन थ्री वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो दो ऑप्शन बचेंगी आपके पास वाई माइनस वन इज ईक्स टू ज़ीरो और थ्री वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो वाई किसकेक्वल आ गया वन के यहां से y इक्वल आ गया फाइव बाय थ्री के अब आपने क्या करना है अब आपने रीपुटिंग करनी है y कर की जगह आप क्या लिखा देंगे वन बाय एक्स यहां पर भी y की जगह वन बाय एक्स फाइव बाय थ्री हो गया अब आप ये वन बाय वन नहीं होता है बेसिकली अब आप इसका रेसिप्रोकल ले लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आपकी अपनी मर्जी है

जो बेसिकली रिडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो डिस्कस करेंगे तो ये पहले पांच क्वेश्चन अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा